हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम भटूरा बनाने जा रहे हैं, तो चलिए देखिए किस तरह से हम बनाते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी पता चलेगा कैसे हम बनाते हैं। तो इसके लिए हम मैदा ले लेते हैं। मैदा में मीठा सोडा डालेंगे, नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, उसके बाद सबको मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसमें हम दही डालेंगे और दही डालने के बाद सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देख लीजिए कुछ इस तरह से, आपके पास जितना मैदा होगा जितना बनाइए उसके अनुसार सामान डालिएगा। इस तरह से देखिए सबको मिक्स कर लेंगे हम। अब पानी डाल के इसका हम डो लगाएंगे, ना तो कड़ा डो होना चाहिए और ना तो बहुत ही गीला। देख लीजिए इस तरह से डो लग गया। अब इसे 4-5 घंटा के लिए रेस्ट पर रखेंगे, इसे ढक के रख देते हैं। अब 5 घंटा हो चुका है। अब इसका हम लोई लेंगे, इस तरह से गोला करके मैदा में लपेट कर इसका हम पूड़ी बनाएंगे। अब गैस पर हमारा तेल गर्म हो चुका है, तेल ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अब इसमें हम डाल देते हैं। देखिए एकदम गुब्बारे की तरह हमारा भटूरा फूल जाता है। एक बार मेरे तरीक़ा से आप लोग भी बनाइए, आपका भी ऐसा ही भटूरा फूलेगा। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और एक बार मेरे तरीक़ा से ज़रूर आप लोग ही बनाइए। एक और भटूरा बनाकर हम आप लोग को दिखा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक भटूरा फूला और दूसरा नहीं फूला, ऐसा नहीं। देख लीजिए जितना भी हम भटूरा बना, मेरा सारा ऐसे इसी तरह गुब्बारे की तरह मेरा भटूरा फूलता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मेरे तरीक़ा से एक बार ज़रूर बनाइए, इसी तरह से आपका भी भटूरा फूलेगा। बहुत ही कम सामान के साथ बहुत ही आसान तरीक़ा से हम बनाते हैं। मेरा वीडियो देखकर तो एक बच्चा भी बना लेगा, इतना आसान तरीक़ा से बनाते हैं। चलिए इसे हम सर्व करते हैं छोले के साथ। देखिए कितना अच्छा देखकर लग रहा है। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।